जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं तो जैसे बैठी आरू में था, लेकिन सबसे ज्यादा बंदे उन्हें कमेंट कर रहे थे, क्यों सर जी क्लास बंद कर देते हो, हमारा शेड्यूल बेकार हो जाता है, पढ़ने का तरीका बेकार हो जाता है, आदत चली जाती है, जो आदत पड़ चुकी है 4 से 5 घंटे पढ़ने की। लेकिन साथियों, मैं वहां पे था, थोड़ी तबीयत भी खराब थी, लेकिन वहां का भी रिव्यू, क्योंकि जहां पे भर्ती लगी है वहां से हमारा घर 30-35 किलोमीटर पड़ता है। मैं अप डाउन कर लूंगा, लेकिन आपको साथियों क्लास भी मिलती रहेगी। जैसे ये देख सकते हो, ये जो पूरा पेपर है, क्या है ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर, इसमें जीडी, इसमें 30 क्वेश्चन है, जीके जीएस 30 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 2000 से लेके अब तक ओरिजिनल क्वेश्चन है साथियों, वही क्वेश्चन है 2000 से लेके जो आप पैसे से खरीदते हो, वही क्वेश्चन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, पूरा फ्री। यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री अकेडमी आपको पूरा चैप्टर फ्री दे रहा है, पूरा कोर्स फ्री दे रहा है, अच्छे से लेते रहिए। मैथ की क्लास जो है साथियों 9 AM, क्या है 9 AM, कितने पे 9 AM पे, 9 AM पे आती है। जो जीके जीएस थ्योरी क्लास है साथियों, वो आपकी 2 PM पे आती है। कितने पे आती है, 2 PM पे, ठीक है, ठीक है साथियों, 2 PM पे आती है। इसको भी क्लास लेते रहिए, बहुत जल्द आपके प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाएंगे। सब क्या करते हैं साथियों, पहले प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं। मैं नहीं, एक बार पूरा अच्छे से सिलेबस से मैथ का जान लो, कंप्लीट हो चुका है, 2-3 क्लास और होगी मैथ की, पूरा सुपला साफ हो चुका है, एकदम जीरो से लेके मैथ की क्लास हुई है, फिर से मैथ की क्लास रिविजन होगी, फिर उसी किस टाइम आपको हर रोज प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, साइंस की क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा दोस्त। ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्लास लेते रहिए, जो तीनों क्लास आपको मिल रही है, हमारी क्लास रोज हर सुबह आपको 7 AM पे मिलती है, 7 AM पे मिलती है, यानी मॉर्निंग में ही मिल जाती है, ठीक है साथियों। आइए हम क्लास देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन साथियों कौन सा है। मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करूँ ना, मैं सोचता हूँ प्यारे साथियों 10 से 12 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको दे दूं, ताकि आप पेपर के टाइम अच्छे से इसको क्या कर सको, रिवीजन कर सको। इसीलिए मैं बहुत जल्दी से इसको खत्म करता हूं, ठीक है। आइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं, फ्री ऑन यूट्यूब, पूरा कोर्स फ्री है इसीलिए फ्री ऑन यूट्यूब है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से साथियों जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं, किस नाम से, मेघना के नाम से जानते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था प्यारे दोस्त, 1527 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। भारतीय इतिहास में किस युग का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, किस युग को स्वर्ण युग से नाम के जाना जाता है, तो प्यारे दोस्त आप कह सकते हो गुप्त काल को जाना जाता है, किसको जाना जाता है प्यारे दोस्त, गुप्त काल को जाना जाता है। अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था, चलो बताओ कमेंट करके। कालिंग का युद्ध, ठीक है साथियों, कौन सा, कालिंग का युद्ध था। सम्राट अशोक की राज्य काल का समय काल क्या था, सम्राट अशोक कि राज्य काल का समय काल प्यारे दोस्त कौन सा था, आप बता सकते हो 273 ईस्वी, 236 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था, ठीक है साथियों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक, ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक गली में शेयर कर दीजिए, अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल ऐसा एक चैनल है, सबको बता दो, एक ऐसा चैनल है आपके बीच में आ चुका है, जो आपको ग्राउंड से लेके, रिव्यू से लेके, रनिंग से लेके, फिजिकल से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके पूरा अपडेट एक ही चैनल देता है। इसी हम पे भरोसा करिए साथियों, 6 महीने के अंदर आप वर्दी ले जाइए, ठीक है दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था सम्राट। साथियों बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, क्यों भटकते हो यार, अशोक थे, कौन थे, अशोक थे। आपको सिर्फ मैं उसी लेवल पे रखूंगा जिस लेवल पे आपका पेपर आएगा, हमको क्यों हाई लेवल पे चढ़ाओ, क्यों ले जाऊंगा आपको, सिर्फ आपके ही लेवल पे रखूंगा यार, एकदम घोट के पी जाओ, मत जाओ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, तो साथियों कह सकते हो सेल्यूकस को परास्त किया था, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे साथियों, आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही है ना, लेते रहिए। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो आप बता सकते हो प्यारे साथियों, वैशाली में हुआ था। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी थी साथियों, कौन सी थी? तो तांबा थी। कौन सी थी प्यारे दोस्त, आप बता सकते हो कि तांबा थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आप नोट्स वोट्स बनाते चलो यार, जब तक आपके पास अच्छा मजबूत हथियार नहीं रहेगा तब तक आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। मोहन जोदड़ो की खोज किसने व कब की थी, किसने की थी वो कब की थी तो आप बता सकते हैं 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी जी ने की थी। आर्यों ने भारत, 13वां क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में जिस इलाके पर कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार की साथियों सभ्यता थी? आप बता सकते हो कि शहरी सभ्यता थी। ठीक है, किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? अरबियों ने किया था। किसने किया था प्यारे दोस्त? अरबियों ने किया था। रेडियो तरंगे पृथ्वी, साथियों 16वां क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है, किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से कह सकते हो, किस सतह से? आयन मंडल से। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता यार, देख लो क्या औकात है इस क्वेश्चन की। ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। बस यही सब क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, हूबहू रट लो यार, यही फंसेगा आपके पेपर में। 20 से 30 क्वेश्चन यही मिलेंगे। कितने? 20 से 30 क्वेश्चन यही मिलेंगे, सेम टू सेम यही छपा मिलेगा। लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से प्यारे साथियों 9 क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ मिलेगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन टफ रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर रहेंगे। बस यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा यार। जो टफ के लिए है तो थ्योरी क्लास 9 जो यानी कि 2 बजे दोपहर में आती, वो भी क्लास लेते रहिए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोसेल। क्या कहते हैं साथियों? फोटोसेल कहते हैं। क्लोरोफिल को बनाने वाला धातु कौन सा है? कौन सा है? मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, जब मीथेन जलता है तो क्या बनता है? जब मीथेन प्यारे दोस्त जलता है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास अच्छी लग रही होगी। कुनैन किस पादप से प्राप्त होता है? कुनैन किस पादप से प्राप्त होता है? सिरकोनब की छाल से, सिरकोनब की छाल से। सभी एसिडों में मिला हुआ सामूहिक तत्व कौन सा है साथियों? कौन सा है तो आपको बता सकते हो, हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का साथियों पीएच मान कितना होता है तो आप बता सकते हो कि 7 होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ठीक है प्यारे साथियों, यही है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अल्कली धातु के मध्य सबसे ज्यादा अपचायक कारक कौन सा है? कौन सा है साथियों तो आप बता सकते हो, लिथियम है। कौन सा है प्यारे दोस्त? लिथियम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है साथियों? एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये आपके साइंस के क्वेश्चन है, आपके साइंस के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, बहुत टफ नहीं आते, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहे का प्रमुख ऐसा कौन सा है? हेमेटाइट। कौन सा है साथियों प्रमुख? हेमेटाइट है। ठीक है दोस्तों, बिजली की खपत की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। बिजली की खपत इकाई क्या है प्यारे दोस्त? आपको लगाना है किलोवाट घंटा है। भारी जल का कथनांक क्या होता है? भारी जल का कथनांक क्या होता है तो साथियों आप बता सकते हो, 101.4 सेल्सियस होता है। ठीक,
हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। जो आपकी 9 बजे की क्लास है, कितने बजे की? 9 AM की, 9 AM की क्लास है साथियों, इसको लेना मत भूलिएगा। ये क्लास आपकी मैथ की है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर आप मैथ से लड़ना सीख गए, GK GS क्या है दोस्तों, ये सब आप कम से कम एक महीने में रट सकते हो, रट अच्छे से सकते हो, लेकिन मैथ नहीं रट सकते। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, मैथ को आपको लिख लिख के फेयर करना पड़ेगा, बार बार उसे रफ करना पड़ेगा। तो जितना मैथ लिखोगे उतना ही याद होगा। GK GS आप PDF के माध्यम से ही रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट से रट सकते हो, लेकिन मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करिए, कमेंट करके आप सब जरूर बताइए कहाँ से ले रहे हो। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।